लेकिन फास्ट मनी हमारा स्पेशल सेगमेंट है, 7:30 बजे एक स्पेशल शो हम करते हैं जिसमें बताते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स जो इंट्राडे बेसिस के लिए होते हैं और आपकी अच्छी कमाई करा सकते हैं। मनीष और संदीप के बीच मुकाबला था आज, देखते हैं आज के स्टॉक्स। मैंने जो है 10 में से 7 शेयर खरीदारी के और 3 शेयर बिकवाली के बताए हैं। टिन प्लेट में मजबूती देखने को मिल सकती है, टाटा ग्रुप की कंपनी जेट एवी जो सीएट में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। बतौर ईपीएस शेयर मैंने टीएफसी उतारा है जिसमें कि आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिल सकती है, 53 रुपए का लक्ष्य होगा। आईडीबीआई बैंक में गिरावट देखने को मिल सकता है, 63 रुपए का आपको टारगेट लगाना होगा। इसके अलावा आज के ट्रेड में इंडियन होम, नेल्को, हिम्मत सिंह का सीडे जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल सकती है। गॉडसे फिलिप्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी करने से लगी और टाटा मेटेलिक्स को आज के ट्रेड के लिए मैंने बतौर सुपर हिट उतारा है, 104 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। एक बैलेंस पोर्टफोलियो की बात मैंने की थी, 5 बिकवाली और 5 खदारी के ट्रेड्स मैंने आपको बताए थे। वेदांता, हिंडालको, एनएमडीसी 3 मेटल काउंटर्स है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, उसका इंपैक्ट नेगेटिव साइड पे आज देखने को मिलेगा। कैनेडिया में जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ है उसकी वजह से आज बिकवाली का बाहर देखने को मिल सकता है। बतौर ईपीएस मैंने बाफना फार्मा को उतारा है, एक मिड कैप फार्मा कंपनी है और अभी तक देखिए रैली में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, इसी की वजह से आज तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और खदारी के ट्रेड्स मैंने आज बताए थे, उसमें सिंजिन जिसकी आज बोर्ड बैठक होने वाली है उसके ऊपर नजर रहेगी। एचपीसीएल क्रूड में जो गिरावट है उसकी वजह से तेजी देखने को मिलेगी। बीएचएल कल भी बिकवाली थी, आज भी बिकवाली का बाहर जारी रह सकता है। ओमका स्पेशलिटी केमिकल्स कच्चे तेल में कमजोरी का फायदा इस तरह के नंबर्स में देखने को मिलेगा। और बतौर सुपरहिट मैंने स्किपर को उतारा जिसको 120 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला, उसकी वजह से आज तेजी देखने को मिलेगी। 145 का टारगेट लेके खरीदारी करने की राय होगी आज के लिए। राइट प्रीतेश, कुछ और स्टॉक्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए चावल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी एक्युमुलेशन देखने को मिली, एक तो आप बताएं केआरबीएल पे क्या करें, एक तो इसका टेक्निकल सेटअप बताएं और दूसरा एक है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज फास्ट मनी में पिक भी है मनीष की, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है दोनों स्टॉक्स का आपको? देखिए सबसे पहले टीएफसीएल की बात करें, आई थिंक स्टॉक हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन एट द बॉटम, तो बहुत ही अच्छी साइन है काउंटर में, बिकॉज 2 वीक का कंसोल देखने को मिल रहा था बिटवीन 38 एंड 42 एंड वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आई थिंक द स्टॉक हैज लेग्स टू मूव हायर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 52-53 का टारगेट नजर आ रहा है, 43 का स्टॉप लॉस बना के रखिए। एंड अगर केआरबीएल की बात करें, आई थिंक द स्टॉक इनफैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देखिए काउंटर्स की अगर हम स्ट्रेंथ बात करें, वी नीड टू फाइंड काउंटर जहां पर अच्छा बेस बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्लैट पैटर्न फ्लैट बेस देखने को मिल रहा हो, केआरबीएल वही काउंटर है। आफ्टर बिट ऑफ कंसोलिडेशन इट इज मूविंग हायर, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर 245-248 का टारगेट बनता है, मेंटेन अ स्टॉप ऑफ 216। राइट प्रदेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए।